हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेस। तो चलिए आज फिर एक वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। आपको भी अगर वेबसाइट रिव्यू करवाना है तो ब्लॉगिंग स्पेशल इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और मैसेज में अपना यूआरएल मुझे सेंड कीजिए, वीडियो बना के मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज एक और वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। अभी भी 16 रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं यार। तो यहाँ पर जो सबसे पहले भेजा है वो है सुनील कुमार नेक, इसको एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। भाई ओडिशा से हूँ, वेबसाइट है, बायोग्राफी पर इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, biowikivilla.in। तो चलिए इसको देखते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, बायोग्राफी यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। देखते हैं भाई साहब को क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण से इसको मतलब एडसेंस के अप्रूवल में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एजुकेशन वाला नहीं लग रहा भाई, बायोग्राफी ये लग रहा है लेकिन एजुकेशन वाला नहीं लग रहा है। ये मतलब बायोग्राफी है जो फेमस स्टार्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं उस पर लिखा गया है और कुछ प्रभावशाली लोग हैं, महात्मा गांधी का भी फोटो दिखा है। तो चलिए इसको हम लोग रिव्यू करते देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और भी कुछ यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो देयर इज़ नो कॉपीराइट इमेज। भाई कॉपीराइट इमेज नहीं है तुम्हारे वाला में, पर मुझे तो लगता है कि कॉपीराइट इमेज है तुम्हारे वाला में, ठीक है। तो यहाँ पे एरर वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा है कि आखिर एरर क्या आया हुआ है। खैर हम लोग जा करके देखते हैं कि एडसेंस अप्रूवल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके वेबसाइट पे। सबसे पहले मेनू तो इन्होंने अच्छा से लगा दिया है, यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है सिर्फ हम उसे देख लेंगे। मेनू मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पर मेनू सारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए जाते हैं इसका सबसे पहले नीचे फुटर में, फुटर में देखते हैं पेज इन्होंने लगाया नहीं है। अबाउट मी, ठीक है, उसके बाद डिस्क्लेमर, सिर्फ अबाउट लिखो यार, अबाउट अस लिखो, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट मी और ब्लॉग। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, चार पेज हो गया ना, तो बस हो गया यार, पेज भी इसका काफ़ी है, जितना चाहिए था उतना काफ़ी है। मैं एक बार पेज को चेक कर ले रहा हूँ ये प्रॉपरली है या नहीं है, ठीक है। गाइस पेज को जब चेक कर रहा हूँ तो ये पेज में महात्मा गांधी का आपने क्यों ये लगाया हुआ है ये मुझे नहीं पता, बट पेज में जस्ट आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हो यार, सिंपल करो। दूसरा चीज़ यार विजिबल रखो ये सब, ठीक है, विजिबल तो दिख ही रहा है, ठीक है, बट ये सब अननेसेसरी चीज़ें मत किया करो। प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस भी इसका चेक कर लिया, पेजेस भी सभी सही है इसका। यहाँ पर कुछ फॉलोअर्स यहाँ पर इन्होंने लिंक लगा करके रखा है फेसबुक का, चलिए ये भी ठीक है भाई साहब। टेलीग्राम का पेज है, चलिए ये भी ठीक है। व्हाट्सअप का एक पेज लगा करके रखा हुआ है और ये भी ठीक है। चलिए तो पेजेस भी इसका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब इसका हम लोग कंटेंट देखेंगे जा करके गूगल में, सारा इंडेक्स है या नहीं है, कितना कंटेंट इसका इंडेक्स है, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका कंटेंट, ठीक है। और आपको अगर नहीं पता है कैसे चेक किया जाता है गाइस कि इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको जस्ट साइट लिखना है, साइट लिखने के बाद आपका कॉलन देना और उसके बाद डोमेन नेम देना है, ठीक है। इंटर करेंगे तो दिख जाएगा कि गूगल पे कौन कौन सा पोस्ट आपका इंडेक्स है। तो इंडेक्स भी इसका अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इनफ कंटेंट है। तो भाई आप एक बार ज़रूर मुझे बताना कि आखिर आपको एडसेंस अप्रूवल लेने में एरर क्या आ रही है, ठीक है। फिलहाल मैं कंटेंट यहाँ पे अब जाके कुछ चेक करता हूँ, जैसे कि बॉलीवुड में यहाँ पे कंगना रनौत है, तो ज़रा इसके बारे में चेक कर लेता हूँ। अब बात आती है जब बायोग्राफी की, तो यहाँ पे फ़ोटो का क्वालिटी आप देख लीजिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं गाइड करूँगा, फ़ोटो में आपका प्रॉब्लम है, आप फ़ोटो का क्वालिटी अच्छा रखिए, साइज़ अच्छा रखिए, ठीक है। तो फिलहाल फ़ोटो का क्वालिटी आपका बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसे आप ठीक कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। कंगना रनौत का यहाँ पर एक और इमेज यूज़ किए हैं जिसका प्रॉपर साइज़ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और उसके बाद कुछ डिटेल यहाँ पर आपने दे दिया है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इनके, अच्छा ये सब इमेज जो आप बता रहे हो कि ये कॉपीराइट नहीं है, तो कहाँ से लिए हैं ये पेजेस भाई? मुझे तो नहीं लगता है कि आप खुद से जा करके ये सब फ़ोटो क्लिक किए हो, ज़रूरी नहीं कि आप गूगल से लिए हो, ठीक है। अगर आप कहीं से भी फ़ोटो जैसे ले रहे हो ना, ये आपका इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम का आप जैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे यूज़ करें, ये भी कॉपीराइट इमेज के अंतर्गत ही आता है। ये सब भी जो इमेज है ये सब कॉपीराइट इमेज में ही आता है भाई, ठीक है। नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ, वो कोई भी इमेज जो आपने कहीं से लिया हो, चाहे खुद से स्क्रीनशॉट लिया हो या किसी के द्वारा लिया गया फ़ोटो को लगा रहे हो, वो कॉपीराइट इमेज में ही आता है। तो ये सब इमेज आपका कॉपीराइटेड है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है ना कि जैसे यहाँ पर आपने कंगना रनौत का यहाँ पर बायोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब कंटेंट ना यार यूनिक नहीं है, ठीक है।
अगर मैं इसे सर्च करूंगा ना तो सबसे पहले विकिपीडिया का दिखाएगा, उसके बाद कुछ बड़े बड़े वेबसाइट के बारे में यहाँ पे नाम आएगा, आप तक कोई पहुँचेगा ही नहीं कि या आपका कोई यहाँ पे बायोग्राफी पढ़े, ठीक है। तो ये सब आपको ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, अच्छा दूसरी चीज़, इस चीज़ को अभी आप थोड़ा ठीक कर लेना भाई, ठीक है। जब मैं यहाँ पर कुछ ओपन कर रहा हूँ ना तो एक नया पेज ओपन आ जा रहा है, ठीक है, एक नया पेज ओपन हो रहा है। तो कोशिश करो कि जब मैं इसे ओपन करूँ तो उसी वेबसाइट पे ये सब ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये सब इमेज आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इमेज प्रॉब्लम आपका है। और दूसरा क्या है, तो कंटेंट प्रॉब्लम है आपका, आपको भले ही नहीं मालूम लेकिन मैं बता देता, कंटेंट आपका कोई खास नहीं है, ठीक है। ये सब कंटेंट आपको ट्रैफिक वगैरह नहीं ला करके दे सकता है। इमेज आप देख सकते हो क्वालिटी ठीक नहीं है, इमेज प्रॉब्लम है। इस इमेज का क्वालिटी अगर अच्छा है तो ये आपका स्क्रीनशॉट कॉपीराइट इमेजेस है। तो खैर इमेज में उतना प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़े से मिस्टेक आपको जो है ना लो वैल्यू कंटेंट की ओर लेकर के जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपका वेबसाइट भी ठीक ठाक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है आपका कंटेंट में है, क्योंकि आपका वाला में यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि कुछ भी लिख करके अगर उसे मैं प्लाजीरिज्म यानी यूनिक 100, अगर प्लाजीरिज्म चेकर में अगर मैं 100% यूनिक अगर दिखा देता हूँ तो मेरा कंटेंट यूनिक हो जाता है, उसे यूनिक कंटेंट नहीं कहते भाई। यूनिक कंटेंट का आप थोड़ा फेर को थोड़ा समझो, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कि आप एक नए आइडिया पर काम कर रहे हो, लेकिन अगर पहले ही कोई उस आइडिया पर काम कर चुका है बहुत सारे लोग और उस पर आप काम कर रहे हो ना, तो आप खुद से भी आर्टिकल लिख रहे हो तो उसे यूनिक नहीं कहते हैं, ठीक है। तो होप कि आप चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे, या तो आपको दो चीज़ चाहिए होगा, या तो आप ट्रैफिक अच्छा से लेकर के आइए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बहुत सारा कंटेंट गूगल में लिखा हुआ है तो आप ट्रैफिक या तो अच्छा से लेकर के आइए, और नहीं तो एक यूनिक आइडिया पर काम कीजिए। ये दो ही चीज़ आपको एडसेंस का अप्रूवल दिला सकता है। अगर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट ना तो आप पूछ सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कंटेंट यूनिक ना होने के कारण प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा कि आपका जो फोटो है इमेज क्वालिटी वो सही नहीं है। तो अच्छा इमेज क्वालिटी आप यूज़ करो, ठीक है। तो होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर इस तरह का कोई भी वीडियो टाइप का अगर आप लिंक वगैरह यूज़ कर रहे हो जिसको क्लिक करने के बाद वो कहीं और रिडायरेक्ट कर रहा है, अगर इस तरह का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो ना तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश कीजिए एक फ़ोटो यूज़ करने का, कंटेंट अच्छा लिखने का, ठीक है। बाकी वीडियो और URL जो आप लोग ज़्यादातर लगाते हैं उसको कम कीजिए, ठीक है। तो यूनिक कंटेंट पे काम करो, आपको कोई भी सेटिंग वोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंटेंट चाहिए। चलिए फिर से मिलते हैं इस तरह के और भी नई वेबसाइट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।